कुछ ग्रामीण आए थे अभी और उन लोगों ने शिकायत दी है, उनकी जांच करा के हम लोग देखते हैं समुचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार योजनाएं लाती है ताकि योजनाओं से लाभान्वित होकर किसान अपने आप को समृद्ध बनाकर खुद को विकसित कर सके, लेकिन कर्मियों की मिलीभगत के कारण इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर किसानों को नहीं मिल पाता है और योजना का लाभ अगर कोई ले पाता है तो वह इन किसान और कर्मी के बीच वाले बिचौलिए ले लेते हैं। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत त्यूरी पंचायत में त्यूरी गांव में कुछ ऐसे गैर रैयत और रैयतधारी किसान हैं जिनका धान घर में रखा का रखा रह गया है, बावजूद पैक्स में धान की अधिप्राप्ति पूरी कर ली गई है। इतना ही नहीं, उन किसानों से धान भी लिया गया है जिन किसानों ने फसल नुकसान का अनुदान भी सरकार से लिया है। आपको बताते चले कि जिन किसानों ने फसल नुकसान का अनुदान सरकार से लिया है वो तथाकथित किसान है, यानी हम कह सकते हैं कि वो बिचौलिए हैं और इन बिचौलियों के द्वारा ही पैक्स में धान भी बेचा गया और फसल नुकसान का अनुदान भी लिया गया है और ये सब संभव है कर्मियों की मिलीभगत से। ग्रामीण किसानों का यह आरोप है कि स्थानीय कर्मी की मिलीभगत के कारण इस तरह का खेल खेला गया है, वह भी 50% कमीशन पर, क्योंकि जिन किसानों ने 50% कमीशन देने से मना किया उन्हें इसका लाभ मुहैया नहीं कराया गया है। जो हकीकत में किसान है उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं किया गया है और जो बिचौलिए हैं उन्हें किसान बताकर सरकार की योजना से उन्हें लाभान्वित किया गया है। आपको बताते चले कि त्यूरी पंचायत में एक ही परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जो 90 से 100 क्विंटल तक धान अपने पैक्स में बेचे हैं। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने पैक्स में धान बेचा है उन्होंने फसल नुकसान का अनुदान भी सरकार से लिया है। अब जरा आप ही सोच लीजिए, जो किसान खेतों में लगातार मेहनत करते हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और जो घर में बैठकर अय्याशी करते हैं, जो घर में बैठकर अपना काम करते हैं, वो बेवजह तथाकथित रूप में किसान बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। जब किसानों को इस बात की जानकारी हुई कि सरकार के द्वारा योजना लाया गया था लेकिन 50% कमीशन के कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके लिए किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन भी दिया है और आवेदन में यह आरोप लगाया गया है कि 50% कमीशन के कारण उन्हें फसल नुकसान अनुदान का लाभ नहीं मिल सका है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर नालंदा जिला कृषि पदाधिकारी कह रहे हैं वह आप खुद सुनिए। हाँ, त्यूरी गांव का कुछ ग्रामीण आए थे अभी और उन लोगों ने शिकायत दी है, उनकी जांच करा के हम लोग देखते हैं समुचित कार्रवाई की जाएगी। अगर नियमानुसार क्षेत्रीय कर्मियों के द्वारा कार्य नहीं किया गया है तो सख्त से सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है सर कि कृषि समन्वयक और उनके बिचौलियों के द्वारा 50% तक कमीशन भी मांगा जाता है। वो हम जांच करवा लेते हैं, देख लेते हैं उसके ऊपर करते हैं। आप नालंदा जिला कृषि पदाधिकारी को सुन रहे थे। एक बार फिर से हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। पूरे बिहार में धान की अधिप्राप्ति की जा रही है, धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। पैक्स वाले अब किसानों का धान लेने से मना भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो रैयतधारी और गैर रैयतधारी किसान हैं उनका धान घर में धरा का धरा ही रह गया है, लेकिन पैक्स में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। लेकिन माजरा कुछ इस तरह से है, जिन किसानों ने पैक्स में धान दिया है वो किसान नहीं बल्कि बिचौलिए हैं और वो पैक्स में धान भी दिए हैं और एक तरफ सरकार के द्वारा फसल नुकसान अनुदान
का लाभ भी उन्हें मुहैया कराया गया है। अब इस पूरे मामले पर कहां तक जांच जाती है वह देखने की चीज है। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।